ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि कर्क राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के जो राशि स्वामी हैं वो चंद्रदेव होते हैं। कर्क राशि के जो भाग्य के स्वामी हैं वो बृहस्पति देव यानी कि जुपिटर होते हैं। वो इस समय अपने ही स्वयं की राशि में विराजमान रहने से आपको भाग्य का फुल सपोर्ट रहने वाला है, क्योंकि भाग्य के स्वामी भाग्य स्थान में रहने से आपको भाग्य का बहुत बढ़िया सपोर्ट रहने वाला है। इसकी वजह से आपको हर कार्यों में सफलता मिलने के बहुत बढ़िया चांस बन रहे हैं। आपके सेवंथ हाउस में शनिदेव विराजमान है, वो भी स्वयं की ही राशि में, जिससे जिनकी पूर्ण दृष्टि आपके लग्न पर पड़ने से आप में थोड़ा सा आलस आ रह सकता है, तो आपको आलस से बचकर चलने की जरूरत होगी। आपके धन भाव यानी कि सेकंड हाउस में शुक्रदेव विराजमान रहने से परिवार का जो माहौल है वो सुखद रह सकता है, परिवार का आपको सपोर्ट फुल रह सकता है। अब बात करते हैं कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो महीना है आपके लिए कैसा रहने वाला है। बेवजह की बेचैनी रह सकती है, डिस्टर्बेंस रह सकती है, आप स्ट्रेस में रह सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है, तो इस टाइम पे अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव करके चलेंगे तो आपके लिए ये टाइम आपके फेवर में रहेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। आपको ये जो टाइम है ना, आलस से अपने आप को दूर करके चलने की जरूरत होगी, अपने बिहेव को चेंज करना होगा, तभी ये जो टाइम है आपके फेवर में रहेगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है इस टाइम पे, आपको मेडिटेशन ज़्यादा करनी है, अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि मैरिड लाइफ आप लोगों की कैसे रहने वाली है। जो लोग मैरिड कपल्स हैं उन लोगों के लिए जो टाइम है ना आपके लिए ठीक ही रहने वाला है। बस क्या है, इस टाइम पे क्या आलस ज़्यादा रह सकता है, थोड़ी कंफ्यूजन रह सकती है। इस टाइम पे आपको जो है ना, आपको अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट कर चलने की ज़रूरत होगी, आपको अपने जो बिहेव को ना चेंज करके चलने की ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि छोटी छोटी बात जो है कब बड़ा रूप ले लेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए तो अपने बिहेव को चेंज कर चलेंगे तभी ये टाइम आपके फेवर में रहेगा। बात करते हैं लव कपल्स के लिए महीना कैसा रहने वाला है। लव कपल्स के लिए जो टाइम है आपके लिए रोमांस से भरा रहेगा, प्रेम प्यार तो रहेगा, साथ में भरोसा भी रहेगा। बस दिक्कत कहाँ आ सकती है, दिक्कत आपकी वाणी से हो सकती है, क्योंकि मंगल देव की पूर्ण दृष्टि आपके फिफ्थ हाउस पर रहने से आपकी जो वाणी है वो क्रूर रह सकती है, क्योंकि मंगल देव क्रूर ग्रह माने जाते हैं। आपकी वाणी का अगर आप सही से प्रयोग करते हैं, अब अगर आप समझदारी से काम लेते हैं तो आपके रिश्तों में और भी ज़्यादा बॉन्डिंग रहने वाली है, प्यार रहने वाला है, आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाला है। बस आपको थोड़ी सी समझदारी से और अपने वाणी के प्रयोग से आपको सावधान रहना होगा। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए महीना कैसा रहने वाला है। जो बच्चे जो स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में है ना, उन लोगों के लिए टाइम बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप बहुत एक्टिव रहने वाले हैं, आप में बहुत अच्छी एनर्जी रहने वाली है, तो अपनी एनर्जी का सही से यूटिलाइज कीजिए, उसको सही दिशा में उसका प्रयोग करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। बात करते हैं बिजनेस वालों के लिए महीना कैसा रहने वाला है। बिजनेस वालों के लिए जो टाइम है ना, डील होती रहेंगी, आमदनी भी होती रहेंगी, सब चीज़ें चलेंगी, लेकिन जो आपकी जो कार्यों की जो गति है ना वो थोड़ी सी डिले रह सकती है, कार्य धीमी गति से हो सकते हैं, आप भी थोड़ा स्लो रह सकते हैं, आलस रह सकता है, तो इससे थोड़ा सा बचकर चलने की ज़रूरत होगी, अदरवाइज ये टाइम आपके फेवर में ही रहने वाला है। बात करते हैं जॉब वालों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। जॉब वालों के लिए जो महीना है ना आपके सपोर्ट में रहने वाला है, क्योंकि जो सिक्स हाउस के जो स्वामी हैं वो भाग्य स्थान में विराजमान है, आपके भाग्य में आपके भाग्य के सपोर्ट से आपको फायदा मिलेगा, आपके भाग्य के सपोर्ट से ही आपको जॉब में अच्छी प्रमोशन मिलने के चांस बन रहे हैं, नई जॉब मिलने के चांस बन रहे हैं, आपके कार्य की प्रशंसा होने के बहुत अच्छे चांस बन रहे हैं, तो ये जो टाइम जॉब वालों के लिए भी आपके फेवर में रहने वाला है। अब बात करते हैं कि इस महीने आपको कौन से ऐसे कार्य करें जिससे ये जो टाइम है आपके फेवर में रह सके और जो थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानी आ रही हैं आप उनसे बच सके।
आपने करना क्या है, आप विष्णु चालीसा का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप माथे नाभि जुबान पर केसर लगाना शुरू कर दीजिए। केसर का प्रयोग जो है आपके बृहस्पति को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, तो केसर का यूज ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। केले के पेड़ में जल दीजिए, केले के पेड़ लगा सकते हैं, इससे जो आपका जो टाइम है आपके फेवर में रहेगा। तो आशा करते हैं ये महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियां, कामयाबी, उम्मीदें लेकर आएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियोस में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।